हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियोस में प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पास्ट टेंस का। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस, सबसे पहला है पास्ट इनडेफिनिट टेंस। इसके हम लोग पहले रूल्स देखेंगे, उसके बाद इसके एग्जांपल्स। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्या देखते हैं कि लास्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, था, थी, थे आता है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब आप आइए रूल सेकंड पे। ये था आपका रूल वन। सेकंड पे इसमें थ्री टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूं। पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नेक्स्ट निगेटिव एग्जाम्पल देंगे कैसे होते हैं सेंटेंसेस, कैसे पता चलेगा कोई भी सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। उसमें देखें क्या क्या होता है। पहला होता है सब्जेक्ट, उसमें डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें डिड पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, नेक्स्ट इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी जो इस प्रकार हैं। एग्जांपल्स ऑफ पास्ट इनडेफिनिट टेंस। अब यहां पे फर्स्ट लेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको मैंने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है मैं कल कानपुर गया था। अब इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं यहां पे लास्ट में क्या आया, था। तो इसका हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश में, आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे। अब यहां पे आप देख रहे हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। गो वेंट गॉन होता है, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट की सेकेंड फॉर्म। अब सेकेंड सेंटेंस, हम आज आगरा से
आए थे। बी केम फ्रॉम आगरा टुडे। अब नेक्स्ट सेंटेंस आप लीजिए, सेंटेंस थर्ड। उन्होंने मेरी सहायता की थी। अब इसका जो हम बनाएंगे सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो होगा दे हेल्प्ड मी। सेंटेंस नंबर फोर, उसने अपना पाठ याद किया। शी, अब यहां पे ये नहीं पता चल रहा है उसने अपना पार्ट याद किया कि ही है कि शी, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। शी लर्न हर लेसन। अब यहां पे मैंने आपको बताया कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में, उसके एग्जांपल्स दिए हैं। अब आइए आप निगेटिव सेंटेंस पे। इसके एग्जांपल्स हैं कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट नंबर पे, वह कल नहीं सोई। शी डिड नॉट स्लीप yesterday। सेकेंड सेंटेंस इसका है, उसने मुझे गाली नहीं दी। He did not abuse मी। क्वेश्चन सेंटेंस थर्ड आप देखेंगे, भड़ई ने मेज नहीं बनाया। इसका ट्रांसलेट करेंगे, भड़ई का होगा द कारपेंटर did not make the table। अब यहां पे did लगा हुआ है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। अगर not नहीं, did not नहीं होता तो यहां पे होता made। सेंटेंस फोर्थ, उसने अपने माता पिता की बात नहीं माना। इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश में, ही डिड नॉट ओबे, बात मानने के लिए ओबे हिज पेरेंट्स। मैंने आपको कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे बताए हैं, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट नंबर पे, क्या वह ऑफिस गया, ऑफिस की जगह आप दफ्तर भी लिख सकते हैं। डिड ही गो टू
his office. क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने मेरी सहायता क्यों नहीं की. तुमने मेरी सहायता क्यों नहीं की, इसको ट्रांसलेट करेंगे, व्हाई डिड यू नॉट हेल्प मी. सेंटेंस नंबर थर्ड, आपने पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें पढ़ी. How many books did you read in the library? पुस्तकालय का होगा library. आपने पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें पढ़ी. How many books did you read in the library? अब आप फोर सेंटेंस लीजिए. कल उसने तुम्हें कहाँ देखा. Where did he see you yesterday? मैंने आपको यहाँ पे पास्ट टेंस के बारे में बताया. पास्ट इनडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स दिए जो ये सब हैं. उसमें मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स दिए हैं जो आपके हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स. मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए.